नमस्कार दोस्तों, मैं विनायक बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आज की इस नई वीडियो में। एयर इंडिया की तरफ से आपको एक नई अपडेट देने जा रहा हूं, तो वीडियो को पूरा देखिए। उसके पहले अगर आप चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, ताकि आने वाले कोई भी अपडेट हमारे चैनल से आप मिस ना कर सको। दोस्तों, महिला सहकर्मी की यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद पिछले साल मई में निलंबित किए गए एयर इंडिया के वरिष्ठ पायलट को फिर से नियुक्त कर दिया गया है। हालांकि पायलट को आंतरिक समिति के जाँच में दोषी पाया गया है और उस पर भारी जुर्माना लगाया गया है। एयर इंडिया के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि समिति ने पायलट सचिन गुप्ता पर भारी जुर्माना लगाया है। सचिन गुप्ता ने अब सजा के खिलाफ उच्च प्राधिकरण में अपील की है और पायलट पे जो जुर्माना लगाया है, एयर इंडिया के क्षेत्रीय निदेशक PS गोनी ने कहा कि एयर इंडिया की आंतरिक शिक्षा समिति ICC ने जांच की और कैप्टन सचिन गुप्ता को दुराचार के आरोपों में दोषी पाया। उन्होंने बताया कि अनुदेशानुसार कार्रवाई करने वाले प्राधिकरण ने कैप्टन सचिन गुप्ता पर अपनी सेवा नियम के तहत तत्काल भारी जुर्माना लगाया। वहीं दोषी पायलट ने सजा के खिलाफ अपील की है। उन्होंने बताया कि इन सेवा नियमों को ध्यान में रखते हुए पायलट सचिन गुप्ता ने दी गई सजा के खिलाफ अगले उच्च न्यायालय प्राधिकरण में अपील की है और वहां गुण दोष के आधार पर उक्त अपील की जांच की जाएगी और योग्य अपीलीय प्राधिकारी उचित समय पर इस मामले पर विचार करेंगे। और अनुदेशा के रूप में किया गया नियुक्त एयर इंडिया के वरिष्ठ अधिकारी के नाम न उजागर करने की शर्त पर बताया कि गुप्ता को अनुदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये है दोस्तों अभी तक की लेटेस्ट अपडेट एयर इंडिया की तरफ से। कैसी लगी आपको कमेंट करके बताइए। कोई भी सवाल, सुझाव, सजेशन अगर आप देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त नायक, मिलता हूँ नेक्स्ट वाले वीडियो में। टिल देन जय हिंद, वंदे मातरम।